सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूरिंग फाइव ईयर प्लान्स जब चल रहे थे 1950 से 1990 तक, तब इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की एक पॉलिसी आई थी जिसका दूसरा नाम था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, मतलब अपने आप के देश का ट्रेड देखो अंदर का। तो इम्पोर्ट गुड्स को हम इसमें क्या करते थे, डोमेस्टिक गुड्स के साथ रिप्लेस करते थे। दोबारा सोचिए, इम्पोर्ट का मतलब होता है एब्रॉड से परचेज करना, ठीक है। अब वो कहते हैं इसको सब्स्टिट्यूट करो, इसे रिप्लेस करो विद दी डोमेस्टिक गुड्स, इसका मतलब बाहर से मत लो और अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करो। इसी प्रोसेस को इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और इससे क्या क्या बेनिफिट्स हुए थे, तो वो यहाँ पर इन बबल्स के अंदर मेंशन किए गए हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बूस्ट तो हुई थी, साथ में लोगों को रोज़गार मिला, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी मौका मिला आगे आने का, और देश की GDP या आप कह सकते हो नेशनल इनकम बढ़ गई थी। अब ये जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी ये कैसे बढ़ रही थी, ये थी टैरिफ के थ्रू या फिर कोटा फिक्सेशन के थ्रू। टैरिफ का मतलब होता है इम्पोर्ट के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया था जिसकी वजह से लोग इम्पोर्ट ना कर सके, और कोटा को फिक्स किया गया था कि इतनी लिमिट तक ही आप इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो।